ऐसे पानी लेने के लिए सुबह सुबह आप भी गए होंगे कभी ना। पहले जब घरों में जब हम छोटे छोटे थे 8-10 साल के, तो उस समय घर में कनेक्शन नहीं थे पानी की, योजनाएं नहीं थी गांव में, तो उस टाइम हमारा धारा ही हुआ करता था यहाँ। तो सुबह सुबह सब लोग जाते थे अपने धारे में, तो मैं तो फिर दोबारा आ गया हूँ धारे में, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। सुबह सुबह धारे में आओ और पूरा सीनरी देखो आर पार, और पूरा मज़ा आ रहा है, और पुराने पुराने दिन भी याद आ रहे हैं अभी, क्योंकि हम जब बच्चे थे पहले, तो स्कूल जाने से पहले हमें घर वाले हमारे जीजा बोजू कहते थे, यार जाओ पानी लेके आओ, बराबर 2 घार 3 घार पानी सारो, और फिर उसके बाद जाओ करके स्कूल। तो पहुंच गए हम धारे में, आप धारा दिखा धारा दिखाते हैं आपको। गगरी भरने वाली है मेरी, हाय गगरी पानी भरो। पूरे 38 सेकंड, ये पूरे 38 सेकंड पूरे लग गए हैं पानी भरने में। जय हो भूमियाल देवता। ये श्री भूमियाल देवता का मंदिर हमारे गांव का ये रास्ते में पड़ रहा हमारा, और ये प्राचीन बहुत ही पुराना 100 200 300 साल पुराना ये तुणी का पेड़ है हमारा, ये मंदिर के आगे है, ये 200 300 साल पुराना है। यह है गांव हमारा, ये बताइए कि लेट नहीं आ रही है, सुबह 5 बजे हैं अभी, मौसम भी काफ़ी ख़राब हो रहा है, फॉग वॉग लगा है चारों तरफ। ये पोसर का सिरा है यहाँ, ये भी है 3 से एक धारा दिख रहा है आपको, सीमेंट का बना हुआ है, लेकिन वहाँ उसमें पानी साफ नहीं आता उसमें। और ये गाइस मंडुआ जम चुका है खेतों में, और मौसम बना हुआ है पहाड़ में आजकल, क्या बोलते हैं, बारिश का मौसम काफ़ी समय से बैसाख के महीने से बारिश शुरू हो चुकी है, और अभी जेठ का महीना लग चुका है। तो देखिए आप मंडुआ की फसल, देखिए आप कितना अच्छा मंडुआ जम रहा है, यह घच्चत जम रहा है मंडुआ, और मौसम ने भी काफ़ी साथ दिया है मंडुआ के लिए। यह जंगलों में घास भी आ चुका है, देखिए आप घास, ये माथा अखवाणी हमारा है, सब लोगों ने बा चुके हैं, वहाँ पे एक मोहन सिंह का है भी, मोहन सिंह ने नहीं बा रखा, बाकी सबने बा दिया है, ये सब मडुआ मडुआ और झोर बोरखा पार। देख लीजिए आप सुबह का मौसम पहाड़ों में कितना अच्छा सुहाना मौसम हो रहा है, पानी नहीं आ रहा घर में, ये पूरा चारों तरफ फॉग ही फॉग लगा हुआ है, देखिए। जय भोलेनाथ। उस सामने हमने भोलेनाथ पधारे हुए हैं, भोलेनाथ का मंदिर है, और नीचे नदी के किनारे रुकदा का मकान है, वहाँ पर लकड़ी वगैरह ये घटबुड़िया, और बंगले के धार में ऊपर देखिए आप पूरा फॉग लगा हुआ है ऊपर, मौसम मतलब कहीं भी क्लियरिटी नहीं है मौसम में, अभी बारिश का मौसम बना हुआ है। और ये हमारा सिमलकोट दिख रहा होगा आपको, सिमलकोट में काफ़ी लोग अभी 2-4 लोग उठ चुके हैं दिख रहे हैं, और यहाँ खदा में प्रकाश बाशर उठ चुके हैं यहाँ पर, और इतना अच्छा मौसम हो रहा है अभी, ऊपर भी यहाँ भी फॉग है, चारों तरफ फॉग ही फॉग लगा है सुबह सुबह पहाड़ों में, ये बारिश का मौसम बना हुआ है, कितना सुहाना मौसम है देखिए पहाड़ों में, हाँ मज़ा आ रहा पूरा मौसम देख के, इतना ठंडा हो रहा है ना पीछे, ये लहन का धार है ऊपर, और अभी पहुंच गया मैं खदा में, तो खदा में खेतों के रास्ते जा रहा हूँ मैं, अभी खेत बहुत गीले हो रहे हैं, और नहर के रास्ते भी है रास्ता, लेकिन वहाँ पर क्या है ज़रा खतरा बना हुआ है, बारिश का मौसम वहाँ खतरा बना हुआ है पूरा, तो खतरा क्यों मोल लेना है, खतरे में मोल लेने से लोगों के मुँह से 2 गाली खाने में अच्छा है खेतों में जाने के लिए ना। तो निकले हैं, पानी की बहुत ही परेशानी है आजकल पहाड़ों में,
जैसे ही बरसात शुरू होती है तो पानी की दिक्कत भी शुरू हो जाती है गाँव में। और फिर वही नौला धारा दोबारा वहीं जाना पड़ता है फिर। तो मैं काफ़ी शॉर्ट आ चुका हूँ यहाँ, और धारा भी खाली है, वहाँ कोई नहीं है धारे में अभी, तो मेरा समय भी नहीं लगेगा अभी, क्योंकि अभी लोग उठे नहीं हैं बराबर। कई लोग उठे तो अपने गाय बच्चों को बाहर बांध रहे हैं और धुआं लगा रहे हैं उन पर, तो उनके धारा में आने में टाइम लगेगा, तब तो मैं निकल जाऊँगा। और ये देखिए मेरे पीछे, देखिए आप मौसम पर, पहाड़ में देखिए कितना फॉग लगा हुआ है, पूरा मौसम ख़राब हो रहा है, बारिश का मौसम बना हुआ है। मेरे पीछे देखिए आप, चारों तरफ देखिए, ऊपर दिख रहा है आपको, पूरा बारिश का मौसम बना हुआ है। तो ये पहुंच गए हम दोस्तों धारा में। ये देखिए इतना कचरा कर रखा धारा में भी लोगों ने, देखो ये जहाँ यहाँ पर आते हैं लोग, ये हमारे गांव वाले हैं, ये देखिए यहाँ पर कपड़े धोते हैं, सर्फ लाते हैं, साबुन लाते हैं, कागज़ लाते हैं, और क्या बोलते हैं इत्यादि, कुरकुरे फुरकुरे ये बोतलें भी दिख रही हैं यहाँ पर। ये तो ये हमारे गांव द्वारा है, देखिए कितना गंदगी फैला रखी है धारे में। तो इसको एक इकट्ठा करके इसको जला देते तो अच्छा रहता ना, तो कितना गंदा दिख रहा है आप देखिए। तो ये गंदगी भी मेरी रिक्वेस्ट है गाँव वाले से, ऐसे गंदगी ना फैलाएँ, क्योंकि कई लोग आते हैं धारे में पानी पीने के लिए, तो उनको इसको देख कर घृणा लगती है। ये देखिए कितना कूड़ा बना रखा है धारे में इन लोगों ने। ये हमारा धारा नौला जहाँ से पानी आता है, देखिए एक धारा यहाँ पर है हमारा, ये और एक यहाँ पर है, इसमें ज़्यादा पानी है और इसमें, ये देखिए कितना अच्छा बना रखा है यहाँ पर। ये आप यहाँ पर बैठ कर भी आप कपड़े धो सकते हैं आराम से, और नहा भी सकते हैं, और काफ़ी चीज़ें वहाँ रैग बना रखे हैं वो सामान रखने के लिए, और इस साइड में भी रखा है ये, और पूरी झाड़ी हो रही है यहाँ पर, क्योंकि लोग कम आते ना धारे में पानी देने के लिए, तो पूरी झाड़ी है चारों तरफ, देखिए ये यहाँ से पानी निकलता है, देखिए आगे ये सब पीने योग्य पानी है। और ये देखिए हमारे देसी टमाटर भी लगे हैं, पके हैं पूरे पूरे झाड़ी थी, किसी टाइम पे ये झाड़ी हुआ नहीं करती थी यहाँ पर, क्योंकि लोग कंटिन्यू रहते थे धारे में, तो आज के डेट में लोग कम हो गए हैं जब, तो ये धारे में। अब पहुँच चुके हैं हम मेन रोड पर, ये सड़क सीसी सीधे हमारे धारे की तरफ चलेगी, और बीच में ये गधेरे में पुल भी आ गया है, ये पुलिया क्रॉस करके यहाँ से अभी होगा आपका 50 मीटर, 50 मीटर की दूरी पर जाना है, और ये हमारा रास्ता है जाने का, पक्का रास्ता आ गया अभी। अब चलते हैं नहर के रास्ते, वहाँ से लोग उठ चुके हैं और खेतों में जाएंगे, तो खेतों के रास्ते गीले हो रहे हैं, तो लोग गुस्सा करेंगे, गालियाँ देंगे, इसलिए मैं अब रास्ता चेंज कर दिया है, अभी जाएगा सीधे रास्ता नहर में। ये घराट का पानी है, अभी घराट बंद है तो पानी अभी जा रहा है नीचे को, ये है हमारा नीचे घराट, अभी बंद है, बाद में एंगल चलाने के लिए इसको। अब बाप रे, नहीं करो रास्ता। ये आ गए हम नहर में, और नहर नहरी है हमारा कम से कम 1 किलोमीटर पूरा, 1 किलोमीटर पूरा है ये नहर नहरी, फिर सुबह चढ़ाई चढ़नी मेरे को। ये आगे का जब नहर नहरी जा रहे हैं, सुबह सुबह उठे और ऐसे ही काम करें, और ठंडे पानी से हाथ मुंह धोने के लिए धारे पर आइए और पानी लेके जाइए अपने घर घर में। अच्छा पानी है, धारे का पानी है, मूल का पानी है, और बरसात में आजकल जो योजनाएं हैं पाइपलाइन की, तो वो पानी आजकल लोग क्या गांव में क्या करते हैं वैसे पी लेते हैं, क्योंकि जंगल से बहुत दूर से पानी आता है वो किलोमीटर के हिसाब से, तो उसमें काफ़ी कीटाणु बह के आते हैं, और बरसात है काफ़ी कीटाणु, जंगल में आग लगी है, कोई मृग जंगली जानवर मर जाते हैं तो गिर जाते हैं वहाँ चैम्बरों में, तो लोग जाते नहीं हैं वहाँ देखने के लिए, तो घर में लोग पानी भरते नालों से तो वैसे पी जाते हैं, तो आजकल काफ़ी सारी बीमारियाँ भी फैली हुई हैं गाँव में,
उल्टी दस्त हो रहे हैं, पेट में दर्द हो रहा है, लोग काफ़ी परेशान हैं। और तो मेरा सभी से अनुरोध है, कृपया पानी मूल का पिए, अगर नल का पानी पीते तो उबाल के पिए, और एक सुबह सुबह एक बड़े बर्तन में उस पानी को उबाल कर रख दें और उसी पानी को यूज़ करें दिन भर, और उसमें जो भी बीमारियाँ होंगे, कीटाणु होंगे, तो वो मर जाएंगे। तो ऐसे डायरेक्ट पानी ना पिए नल का, सभी लोगों से अनुरोध है। और मूल का पानी पिए तो और भी अच्छा है, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और तंदुरुस्त रहें। हमारे गांव का सड़क नहरी देखिए आप, कितना खतरा यहाँ पर बना हुआ है, पानी की जा रहा है इसमें है। और इसमें ये नीचे से कुछ नहीं है, खाली अटका पड़ा है वहाँ, ये एक लकड़ी में, इस साइड में दीवार है, उस साइड में कुछ नहीं है देखिए। और ये लाहौर नदी है नीचे, ये बाय चांस कितना खतरा बना हुआ है इसमें, क्या बोलते हैं, बहुत ही खतरा बना हुआ है गाँव में। ये कालीगाड़ की योजना है हमारी, खाली इसमें पानी है कालीगाड़ में आजकल, ये इसमें कम से कम 250-300 मवा से पानी पीते हैं इस कालीगाड़ की, इतना खतरा है देखिए। अब यहाँ पर देखिए आप, जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, ये नीचे दिखा रहा हूँ आपको, नीचे जा नहीं सकता मैं, ये देखिए नीचे इसका कुछ नहीं है, ये सबसे ज़्यादा खतरा ये बना हुआ है। तो आराम से चले, बने देखें उसको, तब आगे बढ़ें उसमें। अब तो सारे ये पहुँच गया हम, अब आधा किलोमीटर और होगा यहाँ से घर जाने का, ये पहुँच रहे सार है, ये पूरे धान जम चुके हैं, परसों ही सार रखा है, एक हफ्ता नहीं हुआ है, धान जम के तैयार हो गए हैं। और कितना अच्छा लग रहा है आजकल, ये अभी भरा की एंट्री नहीं हो रही है, फिर जब तक भरा नहीं आ रहा तब तक तो ठीक है। देखिए जग्गू ने खेत में हक दिया, वहाँ जग्गू रुक जा साला, वहाँ खेत में हक रहा तू, हाँ खेत में होने कौन है, राशि राशि भर तू, जग्गू जाग तू जाग। तो गाइस ये है हमारा जग्गू, ये जग्गू वहाँ खेत में ब्याग राशि राशि भर, साला मारूंगा तेरी पिटाई करूँगा। हाँ तो आ गया हूँ धार से, घर पहुँचने वाला हूँ, और अकेला पर्सन घर में, घरवाली बीमार हो रही मेरी, तो ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं कर पाएगी, इसलिए मेरे को ही करना पड़ता है, पानी आनी जो भारी भरकम वेट उठाने वाला और बोझ ढोने वाला काम मेरे को ही करना पड़ रहा है। तो अभी लगेगा 2-3 साल उसको इस मेरे जैसे पोजीशन में आने के लिए, तो करना पड़ता है, घर गृहस्थी है, गृहस्थी जीवन है, सब कुछ करना पड़ता है घर में। अभी सोई होगी घरवाली, अभी पानी लेके जा रहा हूँ, ये अभी पानी गर्म करूँगा और गर्म पानी पिलाऊँगा उसको, फिर उठाऊँगा, चाय तो पीती नहीं है, फिर नाश्ते की तैयारी करनी है, और फिर उसके बाद रोज़गार में जाना है, और आज बरात भी है बागेश्वर, बरात में भी जाना है। जग्गू आ रहे मेरे साथ, जग्गू क्या तू हैं, ये मेहमान उठ चुके हैं और अभी 6 बजने वाले हैं, ये हमारे मेहमान उठ गए हैं। दीपांशु कैसी रही रात को नींद, अच्छी आई? अच्छी आई, गुड। बाथरूम से होगी हक के आगे, पानी नहीं आ रहा है वहाँ, पानी रखा था यार मैंने वहाँ, नौला का पानी लाया था वहाँ से हैं। ये बुढ़िया भी उड़ गई है, अभी धोरी मूंगिया मुँह धो दिया है। तो अब पहुँच गया हूँ मैं घर, अब दीवार में बैठ गया हूँ, यह थकान लगी है, अब बुढ़िया चाय बनाएगी, चाय बुढ़िया चाय ला रे, चाह तेरा थकान लगा, लाल चाह बना दे जरा बुढ़िया वाल, चाय चाय पीते हैं, फिर उसके बाद फिर जाते हैं रोज़गार में, नाश्ता वास्ता करके भी और पानी लाना है, 2 बाल्टी पानी और लाना है मेरे को, वो पानी तो हाथ मुँह धोना, पानी तो नज़दीक में है लेकिन पीने का पानी ज़रा दूर है। तो बने रही है मेरे ब्लॉग में, और कैसी लगी मेरी वीडियो और ज़रूर बताना कमेंट्स में, और ढेर सारा शेयर करना, कमेंट्स करना, और सब्सक्राइब ज़रूर करना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना। और तब तक के लिए
धन्यवाद सभी दोस्तों का।